तो फेल गेम फैमिली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक ऐसे गेम में जिसमें हीरोज की नहीं बल्कि इस बार विलन्स की जीत होगी, क्योंकि इस गेम का नाम ही है सुसाइड स्क्वाड किल द जस्टिस लीग और ये इस सीरीज के एपिसोड 7 है। तो इनकेस मेरे भाई आपने इसके 1-6 तक कोई भी एपिसोड मिस किए हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि उन सारे एपिसोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आपने जो भी एपिसोड मिस किए फटाफट करके उनको देख लो ताकि यहां तक की जितनी भी कहानी है और यहां तक का जितना भी गेम प्ले वो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाए। और अभी हम लोग जल्दी से याद कर लेते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो एक बात तो है, आज के एपिसोड स्टार्ट होते के साथ धमाल होने वाला है, क्योंकि जैसा आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड को मैंने खत्म किया था ग्रीन लैंटर्न की बॉस फाइट से, जो जैसे ही स्टार्ट हुई थी मैंने एपिसोड खत्म कर दिया था। तो आज एपिसोड स्टार्ट होते के साथ जस्टिस लीग के एक और मेंबर ग्रीन लैंटर्न से फाइट करना है और उनको मारना भी है। तो फिल आर्मी खाने पीने के लेके बैठ जाओ, काफी मजा आने वाला है। और वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई तो वीडियो को लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही लेना। चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। अच्छा, फाइट से पहले वाला कटसीन दिखा रहा है तो इसको एक काम करते हैं ना, स्किप कर देते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा, ये तो आप लोग लास्ट एपिसोड में देख ही चुके हो ना। स्किप करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। I thought I was gonna have to hunt you, Joe. Oh, भाई, फाइट के लिए तैयार ग्रीन लैंटर्न ने अपने ऊपर एक शील्ड बना के रखी हुई है, तो इसका क्या करें? और मैं डेड शॉट बनाऊं, ठीक है? ग्रीन लैंटर्न ने चॉपर बना के भेज दिया मारने के लिए। इतना आसान होता मार दो फिर क्या बात थी, रुक ही नहीं रहा है ग्रीन लैंटर्न। I'll give you that, convicts. तो फिर से वेट करना है जब ग्रीन लैंटर्न की शील्ड डाउन हो। तो ग्रीन लैंटर्न की शील्ड डाउन करने के लिए जितने भी प्रोजेक्शंस बना रहे ना सबको डिस्ट्रॉय करना होगा, और एक बार शील्ड डाउन हुई फिर रुकना नहीं है। ऐसे थोड़ी सी हेल्थ में ले गया हूँ लेकिन अभी बहुत हेल्थ है। बस ऑलमोस्ट शील्ड डाउन ही, और इनके जितने भी हथियार है ना सबको डिस्ट्रॉय करूंगा, शील्ड खत्म। ग्रीन लैंटर्न ने फिर से शील्ड लगा लिया। तो अब तो मैं समझ ही गया हूँ, पहले इनकी शील्ड को तोड़ना है, उसके बाद ग्रीन लैंटर्न को तोड़ना है। पता है ग्रीन लैंटर्न की फाइट में मुझे अच्छा क्या लग रहा है कि कवर लेने के लिए इतनी जगह है ना, क्या बताऊं मैं। ओ भाई साहब, अब होगा ना असली तमाशा। Oh, you're a real big man, Lantern. Light him up, squad. ये जितना भी कुछ ग्रीन लैंटर्न के साइड में खड़ा हुआ ना उसको फोड़ना है। मेरी टीम भी अजीब है, ग्रीन लैंटर्न का मजाक बाद में उड़ाना, पहले इनको मारो। ग्रीन लैंटर्न की एक हेल्थ बार खत्म हो गई, एक और बची हुई है। ग्रीन लैंटर्न कितनी भी अच्छी अच्छी गन्स लेते हो, आपको नहीं बचा पाएगा। तो इनको अभी भी घमंड है कि ये चारों इनको नहीं हरा सकते। अरे ऑलमोस्ट हरा ही दिया है। Lantern shielded again. Go after his
इस गेम को अगर आप लोग खरीदते हो ना तो पीसी पर मत खरीदना, पता है। इस गेम का FPS पीसी पे इतना ड्रॉप होता है ना भाई, पता नहीं अपडेट क्यों नहीं आया अभी तक। बस बस एक और गन पड़ूंगा ना इनकी शील्ड गिरी आई। तो ऐसा है ना कि ग्रीन लैंटर्न की बत्ती बुझाने का टाइम आ गया है। बस खेल की कमी है इनका। So you're gonna make this infantry, huh? हार्ली ग्रीन लैंटर्न को सोल्जर बॉय बोल रही, मुझे द बॉयज की याद आ रही है। ये बात तो हमने सुन लिया कि हम चारों आपको नहीं हरा पाएंगे। कुछ नई बात करो ना, एक ही बात रिपीट किए जा रहे हो। हाँ ये कोई नई धमकी थी, अच्छा लगा सुनकर। वैसे आप मरने वाले हो। तो ग्रीन लैंप की रोशनी बस बुझने ही वाली है, दो तीन गोली और। अब ये पूरा जोर लगा देंगे क्योंकि इनकी लास्ट हेल्थ बची है। ऐसे लैंटन बोल रहे थे कि मैंने तुम चारों को मौका दिया था एक नई दुनिया का हिस्सा बनने का। मौका कब दिया था? जब से मिले ये चारों तब से तो ये मारने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी टीम बस ग्रीन लैंटन का मजाक उड़ाई जा रही है भाई, उनको मारना भी है याद है ना। ग्रीन लैंटर्न सॉरी सर, पर आपका मरने का टाइम आ गया। तो जब इस गेम ने फ्लैश को मरवा दिया, जो कि बहुत फेमस कैरेक्टर है, ग्रीन लैंटर्न की तो मूवी भी फ्लॉप हो गई थी, तो इनको तो मरना ही है। Bloody shield still up. The Green Lantern still maintains some control. Green Lantern ne kisi tarah abhi bhi shield bana ke rakha hua hai ship ke upar. What's up, Lantern? You still feeling fresh and relaxed? Yeah, that's what I thought. Not so easy in a fair fight, is it? A fair fight? Y'all look pathetic. Four dipshit cards too dumb to know when they're punching above their weight. You're just gonna go from Waller's prison to Brainiac's. Nah. Didn't you hear? We're out on good behavior. We are not. बात तो सही है किंग शार्क। तो ग्रीन लैंटर्न से क्या बातचीत हुई, सब बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं ये शिप क्या कर रहा है। ये शील्ड अभी भी कैसे है जबकि ग्रीन लैंटर्न तो मर गए। Ship's honked off about lantern.
Leon's still up too. What? Did you miss? What are we supposed to do now? Starting to run low on Brainiac boys to kill. We could wait around for Batman to pop out of a floor grate and punch each of us in the brain. We could take him. You know how many guys I saw get put into traction after saying they could kick Batman's ass? Now that he's all murder, murder, kill, kill, he could destroy us without it. Well. What you doing there, Sharko? Shark? What you got there, buddy? Somebody take it from him. You wanna try? किंग शार्क ने अंगूठी निकालने के चक्कर में पूरी उंगली निकाल ली, लेकिन इनके पास ग्रीन लैंटर्न की अंगूठी आ चुकी है। इनकी उंगलियां कुछ ज्यादा ही मोटी है। किंग शार्क के पास ग्रीन लैंटर्न की पावर आ गई है, खतरनाक। ये किंग शार्क करना क्या चाह रहे हैं? In blackest night. अपनी अंगूठी की मदद से शार्क बना लिया इन्होंने। No evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. आज तक किंग शार्क को भी रुकना नहीं चाहिए। और ग्रीन लैंटर्न अपनी चट्टी में क्यों है? ओ अच्छा अच्छा, इनका वो सूट चला गया ना अंगूठी की वजह से। अरे बाप रे, किंग शार्क विलेन बन गए, क्योंकि ये अंगूठी ग्रीन लैंटर्न के पास थी, तो वो भी विलेन थे। बाप रे, बढ़ते बढ़ते बचे। अंगूठी पानी में जाने की क्या जरूरत थी भाई, यूज तो करने देते मुझे। चलो कोई बात नहीं, किंग शार्क ने एटलीस्ट शिप के ऊपर से शील्ड डाउन कर दिया। वॉलर, शील्ड्स डाउन। एक्नॉलेज्ड। वुड हैव सक्ड इफ यू एट अस पाल। लेट अस नेवर डू दैट अगेन। चलो ठीक हो गए किंग शार्क। वॉलर, आई वांट टू थैंक यू फॉर योर सर्विस टास्क फोर्स एक्स। व्हाट? You've given us the opening. We're taking it. Nuclear bomb छोड़ दिया वॉलर ने। Your sentences will be posthumously commuted in recognition of your efforts. Impact in 10. Waller. Always taking the nuclear option. Not even mad at this point. You're stuck now in your nerves. 5, 4, 3, 2, 1. जैसे ही ये शिप से टकरा गया न्यूक्लियर बॉम्ब, क्या हो गया? वीडियो अटक गई, ये हुआ क्या? अरे सुपरमैन, अब बैंड बजेगी इन चारों की। बूमर एक सेकंड के लिए खुश हो गया था कि सुपरमैन बचाने आ गया, लेकिन इसको याद आ गया कि ये भी बदमाश हो चुके हैं और ये वाट लगाएंगे। ग्रीन लैंटर्न को छोड़ो भाई, सुपरमैन से बॉस फाइटों की तो हालत पंचर होने वाली है, मजा आएगा। लेकिन ये गेम डेवलपर्स ने बहुत ही ज्यादा बोल्ड चॉइस दिखाया अपने हीरोज को ऐसे मरवा के।
चड्डी में मरे हुए हीरो, बताओ। Your friends can't be helped, love. Flash told ya. Either you wake the hell up and help us kick their super asses, or you stay out of our way, Your Highness. एक तरह से सुपरमैन ने इन चारों को भी बचा लिया, क्योंकि ब्रेनियाक के शिप पे ये बॉम्ब फटता तो ये चारों भी नहीं बचते। और इन चारों ने समझाया कि फ्लैश ने याद है क्या बोला था, कि हम सबको मरना पड़ेगा तभी ये दुनिया बच सकती है, तो या तो अपने दोस्तों को मारने मदद करो या रास्ते से हट जाओ। He's still in there somewhere. No matter what Brainiac has done to them, I can still... Oh, bhai. Task Force X, new orders. My convoy is pinned down on the way to the Hall of Justice. Get us clear ASAP. You drop a nuke on our heads and you think we'll just come running when you call? My vitals are linked to your nanite bombs. I die, you die. Now get moving. Wallow out. Well, shit. तो वॉलर बहुत ही ज्यादा बेशरम है, एक तो इन चारों को मारने की भी कोशिश की और अब इन चारों की मदद भी मांग रही है कि मेरे कॉन्वॉय को रोक लिया गया है और ब्रेनियाक की आर्मी ने हमला कर दिया है, तो तुम लोग बचाने आओ चारों। तो डेडशॉट ने बोला कि अभी जस्ट मारने की कोशिश की थी, तो क्या लगता है कि हम लोग बचाने आएंगे? तो इन्होंने फिर से वो सर वाले बॉम्ब की धमकी दी है कि बचाने नहीं आओगे तो तुम चारों गए। तो फटाफट करके देखते हैं क्या अपग्रेड करते हैं और उसके बाद आराम से बात करेंगे, बहुत कुछ बात करना है, लेकिन फिलहाल अपग्रेड करके जाते हैं वॉलर को बचाने। मन नहीं मेरा वॉलर को बचाने का, ठीक है, ब्रेनियाक के शिप को डिस्ट्रॉय करना था, लेकिन उन्होंने एक सेकंड भी नहीं सोचा इन चारों की कुर्बानी देने से पहले। मुझे ब्रेनियाक से ज्यादा बुरी ना ये वॉलर लगती है, क्योंकि ब्रेनियाक तो चलो अपना प्लैनेट बनाने के चक्कर में उसका एक इविल प्लान है वो उसको फॉलो कर रहा है, लेकिन ये वॉलर किसको धोखा दे देगी कब पता नहीं। और सबसे मजे की बात पता ही क्या, वंडर वुमन और सुपरमैन साइड में कहीं फाइट कर रहे हैं, तो हो सकता है वो लोग भी नजर आए। चलो फिर कंटिन्यू किया जाए। माय वेरी कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स अबाउट अमांडा वॉलर साइड, I would like to valiantly lead us in her rescue. तो ये अच्छा लग रहा है कि इन चारों को भी मन नहीं कर रहा है वॉलर को बचाने का, लेकिन मजबूरी है। Transport 2 is under fire. I see that. Get them cover fire. We have people crushed in Transport 2. Get the survivors. Direct to Waller. You need to take cover. I'm gonna get that transport over there started. No. You stay here, soldier. We have reinforcements. We can't wait, man. तो जिस टाइप की आवाज है ऐसा लग तो रहा है कि बॉलर मर गई है, लेकिन लिखा हुआ है कि रिवाइव करना है उनको, ये क्या BGMI चल रहा है? चलो इनको बचाया जाए। मैडम जी ने ऑर्डर दिया है कि हॉल ऑफ जस्टिस तक जाने का रास्ता क्लियर करो, ठीक है मैडम। I will destroy your target with you, Deadshot. भाई किंग शार्क और बूमर इन दोनों से खेलने का ना अपना ही मजा है। पता है इस गेम के विलेन ब्रेनियाक से हम लोग एक बार भी अभी तक नहीं मिले, सिर्फ उसका शिप देखा है ना, पर जब मैं उससे मिलूंगा ना तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उससे इतनी चिढ़ होगी जितनी मुझे वॉलर से हो रही है।
देखिए इस बार पेंगुइन ने क्या भेजा है, कोई अच्छी गन भेजना। With this prize, I will grow my legend. तो मेरे पास जो गन है उससे ये कम स्ट्रॉन्ग है लेकिन इसका रेट ऑफ फायर ज्यादा है, इसी को रखते हैं हाथ में। We have much to teach each other, little gun. तो ये तो हमें पता ही था कि डेडशॉट काफी नफरत करते थे ग्रीन लैंटर्न से, क्योंकि उन्हीं की वजह से डेडशॉट जेल गए थे और वो अपनी बेटी से नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसलिए जब इन चारों ने अधमरा कर दिया ग्रीन लैंटर्न को, तो डेडशॉट गए और बोला कि कैसा रिलैक्स फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जब तुमने मेरे साथ एक फेयर फाइट की तब नहीं नसक पाए तुम मेरे से। तो ग्रीन लैंटर्न हंसने लगे, बोले कि तुम चारों बेवकूफ, तुमको समझ में नहीं आता है, तुम चारों अभी अमांडा वॉलर के गुलाम बने हुए और उसके बाद में ब्रेनियाक के गुलाम बन जाओगे, देखना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं वॉलर की जेल से निकल के तुम लोग ब्रेनियाक की जेल में जाने की तैयारी कर लो। तो डेडशॉट ने ग्रीन लैंटर्न को पूरी तरह से मार पहले बोला कि तुम्हें पता नहीं है हम अच्छे बिहेवियर की वजह से जेल से बाहर निकल गए। तो किंग शार्क ने बोला क्या बात कर रहे हो, हमें तो छोड़ा नहीं गया जेल से। तो डेडशॉट मुंह बनाने लगे कि भाई डायलॉग मार रहा था यार, कूल बनना भी पड़ता है ना किल करने से पहले। और हार्ली बोल रही थी कि अगर हम लोग थोड़ा देर और यहां पे वेट करते तो बैटमैन बस आते ही होंगे, हम चारों की मार के बत्ती गुल कर देंगे। तो डेडशॉट बोल रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, बैटमैन को भी हम लोग मार देंगे। तो हार्ली ने बोला कि तुम पागल हो, ये चीज ना बहुत लोगों ने बोला है कि वो बैटमैन को आराम से मार देंगे, लेकिन फिर मैंने उनको देखा है हॉस्पिटल में। तो ये तीनों आपस में बहस ही किए जा रहे थे, तब तक किंग शार्क ने ग्रीन लैंटर्न की अंगूठी पहन के पता नहीं पावर तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जहां तक मुझे ग्रीन लैंटर्न की मूवी याद है उसमें ये था कि अंगूठी चुनती है अपने पहनने वाले को। पर अब कहानी वाले के ऊपर है भाई, जो रूल्स डालने उन्होंने डाल दिए। तो ग्रीन लैंटर्न की ताकत कुछ देर के लिए इनके पास आ गई थी और इसलिए शार्क ने ब्रेनियाक के शील्ड को तोड़ दिया, बाकी तो उसके आगे क्या हुआ हमने देखा ही है। और वंडर वुमन को ऐसा लग रहा है कि चाहे कुछ भी हो वो सुपरमैन को पहले की तरह ठीक कर देंगे, लेकिन आई डोंट थिंक अब उनको ठीक किया जा सकता है। तो चलो फिर देखते आगे क्या हो रहा है। Sorry we're late. Traffic was killer after the freaking nuclear strike. Oh, nasty! It's Mounted Waller. So, you gonna commute our sentences here, or is there like a ceremony, or... Task Force X! New orders. Get me to the Hall of Justice. Gizmo, we need a ride. A bold request from a black-hearted traitor. We've been through this before. Your expendable assets. That was always the deal. Expendable assets with feelings. You can talk about this among yourselves later. Gizmo! Gizmo, you reading me, man? I got you on it! गिज़्मो ने टैंक भेज दिया चलाने के लिए, वाह। Hello, beautiful. Hey, careful with her. Mandy wants a prototype. टैंक की वाट लगा दी सुपरमैन ने। ऊपर भाग गया। Should have taken our chances with the nuke. It's about time you saw things from my perspective. And where the hell did Boomerang go? Don't worry. He always comes back. वंडर वुमन की शील्ड में याद है ना क्रिप्टोनाइट लगा हुआ है। इन दोनों की फाइट में खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखना अपने को। बूमर जीटीए वाइस सिटी का आइसक्रीम ट्रक लेके आया है, वाह। Chop chop! Just go. I'll drive. भाई भले ही ठंड है लेकिन आइसक्रीम देख के मेरा भी मन कर रहा है खाने का, भाई ऐसे सामने मत खाया करो यार। Hey,
अच्छा ही हुआ, ललचारा था बहुत। ओए, do you mind? बूमर, अगर गलती से सुपरमैन ने सुन लिया ना, वाट लगा देंगे। Ever had ice cream before, Sharky? Attaboy! King Shark सबसे प्यारे भाई, ये विलन कैसे बन गया मुझे ये जानना है। Baller, try. We'll kill anything that gets in your way. Perhaps we'll all live long enough for you to betray us again. This is ridiculous. I'm going into shock. And Superman is tearing his city apart. And we're out of ice cream. I'm holding your trigger. I am literally holding your trigger right now. Stick on this truck. Clear out anything that gets in my way. तो वाले जो ट्रक चलाएंगे, इनके ट्रक को बचाना है, और क्योंकि ये इंजर्ड है तो फाइट करने में मदद तो करेंगी नहीं। तो बैटमैन ब्रेनिया को समझा रही है वंडर वुमन को मरवाना क्यों है, वो बहुत अच्छी हथियार साबित हो सकती है। Who the hell you think is going to be sent in next if Wonder Woman can't take care of it? And yet, Superman Unleashed is an awesome sight to behold. Yeah, Sharky. Not when he's unleashed all over us. He's fighting Wonder Woman on the streets and in the skies of Metropolis. तो एक साथ इतनी सारी बातें हो रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसकी बात सुनूं। चलो एटलीस्ट अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर है, इन सबको मारना और बॉलर को बचाना है। ऐसे ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि अगर वंडर वुमन सुपरमैन को नहीं ना मार पाई, जो कि नहीं मार पाएगी, तो उसके बाद हम चारों को भेजा जाएगा सुपरमैन से लड़ने के लिए। Clear, boss. Roll down your window and smell the rubble. You took them apart like I told you. See, it's good to have clear direction. Waller को मार दो, तुम लोग चारों मरते हो तो मरो, लेकिन मरने से पहले Waller को मार के मरो, शांति मिलेगी। Oh, shit, yeah. Now I want a submarine to walk people with. That is a submarine. That is how you swim beneath the waves. I look cooler in the water. Shark? We got bigger problems than explaining man's hubris to you. Waller की बातें सुनने से अच्छा ना King Shark अपनी origin story सुना दे तो मजा आ जाए। Lead on the shark. Concentrating on Deadshot's target. मुझे पता है ये सारे snipers और सारी टीम को Batman ने भेजा है Brainiac के कहने पर। Improvised explosives. I know where Quinzel learned that trick. Okay, तो रिक ने बताया कि टैंक आ रहा है, बैटमैन ने टैंक भी भेज दिया, वाह। मेरी टीम सिर्फ डायलॉग मार दी रहती है, डायलॉग मत मारो, टैंक को मारो ना, मुझे ही मारना पड़ेगा, मैं जान रहा हूं। Shark seeing red. Take him out, big guy. Our work is done, Waller. Without the need to threaten us. It's those two metas that are the goddamn threat. मैडम जी, गाड़ी आगे बढ़ाते रहिए, आराम आराम से जा रही है, थोड़ा तेज चलाती क्या जाता आपका? No? Close? We're halfway there, Boomerang. And if you try to backseat drive, this is as far as you'll get. बूमर अच्छा कर रहा है, वॉलर को इरिटेट कर रहा है, ऐसे ही इरिटेट करते रहे। ऐसे इन्होंने बताया कि आधे रास्ते हम लोग पहुंच गए हॉल ऑफ जस्टिस के, पर अभी आधा रास्ता और बचा हुआ है।
but it's not us. अच्छा हार्ली जानना चाह रही थी कि वंडर वुमन और सुपरमैन में कौन जीत रहा होगा, तो डेडशॉट ने बोला कि ये तो नहीं पता लेकिन हम लोग नहीं जीत रहे, जो भी जीते हमारी वाट तो लगनी है। एक मिनट, ये ग्रीन लैंटर्न चले गए, इनके चॉपर्स अभी तक कैसे बचे हुए हैं? मैडम जी ट्रक बढ़ाते रहिए। Deadshot's cracking jokes. We really must be up Shit Creek. Shit Creek is not an actual waterway. We're standing in it, mate. End of the bloody world. बताओ कहाँ मैंने सोचा था कि सुपरमैन का कभी गेम खेलेंगे, अब सुपरमैन को मारना ही पड़ेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। बैटमैन का बलून नहीं फोड़ूंगा भाई, बैटमैन मेरे फेवरेट है। My God must be. इन चारों में से ना किंग शार्क और बूमरैंग, इन दोनों का अलग अलग गेम बनाना चाहिए, क्या बोलते हो? ये कहां ठोक दिया वॉलर ने? तो हॉल ऑफ जस्टिस तक पहुंच गए, चलिए निकलिए, मिशन खत्म ना। We have to get inside the inner sanctum. Now. ये फाइट ना मैं चुपचाप से देखने वाला हूं, आप लोग भी देखो। इसलिए किंग शार्क इन चारों में सबसे बेस्ट है। वंडर वुमन की मदद क्यों नहीं कर रहे, लेकिन ये लोग कर भी क्या सकते हैं, गोली से कुछ होगा नहीं सुपरमैन को। What are you doing? I own you. Finally, अब खतरनाक फाइट होगी भाई, तलवार निकाल ली वंडर वुमन ने। You want this to be where you take your last breath? No? Then help me. I only need one of you.
As for the other three, you're dead already. Waller, चुप हो जा. ये फाइट देखने दे अपने को. ये हरकत किसने की? अरे बूबर कितना गंदा है. शार्क को फंसा रहे. शार्क ऐसा क्यों किया तुमने? She's with us. वंडर वुमन ये नहीं करना चाहिए था. मुझे फाइट करना था सुपरमैन से, लेकिन ठीक है चलो. I'm sorry, Kal-El. शील्ड से निकाल के क्रिप्टोनाइट इनके दिल में डाल दिया है, तो अब तो मरना ही है. आई थिंक कि दोनों एक साथ मरे आएंगे. ओके, तो सुपरमैन कमजोर हो गए लेकिन वो जिंदा है और वो वापस लौटेंगे. लेकिन वंडर वुमन का क्या हुआ? It's just... Don't try to talk. It should have killed him. He'll recover. Be prepared. Shark, help me carry her in. We got medics inside. Thought the four of you couldn't achieve anything. Prove me wrong. Are. She's probably just bushed. Right? Her heart has stopped beating. You went out like you lived, doll. Looking sharp. And never listening to us. तो Justice League का एक और सुपर हीरो खत्म. वंडर वुमन का दिल धड़कना बंद कर दिया इसलिए राख बन गई. What the hell do we do now? Task Force X, get inside. ये वॉलर रोना बंद ही नहीं करती, बहुत रोती है. ले जाओ इनको अंदर ले जाओ. अच्छा एक बात बोली वंडर वुमन ने कि क्रिप्टोनाइट से सुपरमैन को मर जाना चाहिए था लेकिन वो मरे नहीं. और अभी भले ही वो इंजर्ड है लेकिन वो ठीक होकर आएंगे. और इन चारों से जाने से पहले बोला कि मुझे नहीं लगता था कि तुम चारों कुछ अचीव कर पाओगे, तो तुम चारों मिलके मुझे गलत साबित करो. तो ऐसा है ना कि अब नेक्स्ट नंबर सुपरमैन का और उनको कैसे मारा जाए, क्योंकि क्रिप्टोनाइट से भी उनको कुछ हो रहा नहीं है. It should have killed him. Yep. And it didn't. No. With Wonder Woman gone,
There's nothing to stop him from healing up and coming back. And that will be the end of that. Maybe not. Maybe not! Something to add, Boomerang? Yes. The consequences of corruption? Consequences of corruption. Have created changes in Superman down to his DNA. I bet they've made some changes to Superman. Down to his DNA. Bones and stuff. Similar changes likely impacted the rest of the League. Same thing probably happened to the rest of the League, right? If I had a live sample, say, your world's Batman. If we got our hands on, like, Batman, still breathing, mind. I could develop a Superman killer. We could cook up a Superman killing thing. All you need to do is bring me the bat. Bring the bat to me! Wait, no, that's mental. We're not doing that. Director, you can't be swallowing this BS. Okay. And just how the hell do you plan to find and exfiltrate the most dangerous man alive? I don't know. The bat usually finds you. You know, like when he beat the shit out of us before snatching Flash. He's probably holed up in one of his bat caves. If it's something in the Earth, I can find it. Oh, but Harley and her friends have to help. If you find Batman, find out. You're not getting in there without Batman's biometric signature. Or the Batmobile. Oh, Batmobile. What the? I said, I got a Batmobile. Since when? Up here, soldier boy. Sweetest piece of mechanical engineering that I didn't invent myself. इस गेम में भी बैटमोबाइल चलाने का मौका मिलेगा. Director? You got your marching orders, Task Force X. Based on Boomerang's plan. God help us. Yeah. Find the cave, catch the bat. Bring him back to the Hall of Justice. तो सुपरमैन को मारने के लिए बैटमैन को जिंदा पकड़ना होगा. Alive. Come on, Isley. Let's, put you and the gizmo here to work. तो सुपरमैन की शक्ति देख के वॉलर डर गई है क्योंकि क्रिप्टोनाइट से भी अब सुपरमैन को कुछ हो रहा नहीं है. I ever speak up at one of these things again, Sharko? Shoot me. I swear it. ये दोनों की जोड़ी मस्त है भाई. Into your little grenades! Ah, they don't make them like this anymore. There's a law against it. Now you can spread clouds of toxins even without Daphne and my helpers. And you should. तो इस छोटी पॉइजन आईवी ने पेंगुइन्स के बनाए हुए ग्रेनेड में अपनी पावर्स डाल दी है, ठीक है. तो यहाँ आने के बाद जब ये लोग मायूस थे सुपरमैन की वजह से, तो रिक ने बोला कि वो रिकवर होकर सुपरमैन आएगा और हम सबकी बैंड बजा देगा. तो याद है ना, लास्ट एपिसोड में अपने को पैरेलल डायमेंशन में यानी कि मल्टीवर्स में एक नया लेक्स लूथर मिला था जो इन चारों की मदद से अब इसी अर्थ में आ चुका है. तो उसने बूमरैंग के कान में बोला कि सुपरमैन को हम लोग संभाल सकते हैं, और क्योंकि इन चारों को उसने मना किया कि वॉलर को मेरे बारे में मत बताना वरना वो मुझे पकड़ के यहाँ पे रख लेगी. तो इसलिए लेक्स अपना जो भी प्लान बता रहा था बूमर को, तो बूमर ऐसा दिखा रहा था कि ये प्लान उसका है. तो लेक्स ने बूमर को बताया और बूमर ने वॉलर और बाकी सबको कि सुपरमैन के जो दिमाग पे काबू किया है ना ब्रेनियाक ने, तो उसके करप्शन की वजह से सुपरमैन का डीएनए भी चेंज हो गया है. और जब सुपरमैन करप्टेड नहीं थे तो ये क्रिप्टोनाइट उनकी जान ले लेता, लेकिन करप्शन की वजह से उनका डीएनए चेंज हो गया है और इसलिए ये क्रिप्टोनाइट उनके ऊपर असर नहीं कर रहा है. तो ब्रेनियाक का यही करप्शन ना बाकी जस्टिस लीग के मेंबर्स पे भी होगा, और क्योंकि सुपरमैन के अलावा सिर्फ एक ही मेंबर बच गया जिसका नाम है बैटमैन. तो लेक्स ने बोला कि बैटमैन को जिंदा पकड़ के लाओ, मैं देखूंगा कि डीएनए में क्या चेंजेस हुआ है, फिर
फिर मैं सुपरमैन पे हमला करवा सकता हूँ। तो बूमर ने जैसे ही बोला ना कि बैटमैन को जिंदा पकड़ के लाना है, तो ये खुद भी डर गया क्योंकि जान रहा है कि बैटमैन इतने खतरनाक है, उनको कैसे पकड़ेंगे। और रिक बोल रहा था कि पकड़ना छोड़ो, बैटमैन को ढूंढोगे कैसे तुम लोग। तो हार्ली ने बोला कि बैटमैन को तुम नहीं ढूंढते, बैटमैन तुम्हें ढूंढते हैं, क्योंकि याद है ना जब हमारे पास फ्लैश था तो हम सबकी बत्ती गुल करके फ्लैश को ले गए थे बैटमैन, तो पक्का कोई ना कोई वो अपने बैटकेव में होंगे। तो पॉइजन आईवी ने बोला कि अगर ये बैटकेव अर्थ पे है तो मैं उसको ढूंढ लूंगी। तो हैक ने बोला कि चलो ठीक है, तुम लोग को बैटकेव मिल भी गया, लेकिन अंदर जाओगे कैसे बिना बैटमैन के। तो गिज़्मो ने बताया कि उसके पास बैट मोबाइल है, और ये सुन के मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि बैट मोबाइल चलो फाइनली इस गेम में भी चलाने का मौका मिलेगा। और वैसे रिक इस प्लान के लिए बोल रहा है कि ये पागलपन है, बैटमैन को तुम लोग नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन वॉलर ने अलाउ कर दिया है। और वॉलर ने बोला कि बैटमैन को जिंदा पकड़ के लाओ हॉल ऑफ जस्टिस में, तो चलो अच्छा ही है कि बैटमैन को नहीं मारना पड़ेगा क्योंकि मैं उनको मारना भी नहीं चाहता। और बूमर ने बोला कि अगर मैं आगे जाके ऐसे कोई भी प्लान बनाता हूं ना शार्क, मुझे गोली मार देना प्लीज। तो शार्क ने बोला कि मैं कसम खाता हूं भाई, तू दोबारा मुंह खोलेगा ना ऐसे प्लान बनाने के लिए तो मैं गोली मार दूंगा। तो इस गेम में सुपरमैन से भी ज्यादा खतरनाक आदमी बैटमैन को जाना है जिंदा पकड़ने के लिए, मजा आएगा। तो इतने इतने मिशंस करने के बाद ना टैलेंट पॉइंट्स भी आ गए होंगे, कुछ कुछ अपग्रेड कर लेते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। और जो मेरे पास जो बॉम्ब है उससे ज्यादा अच्छा ये है, तो इसी को रख लेते हैं हाथ में। Enjoying that moment, huh? Time for a little fun with neurochemistry. ये स्किल ट्री में मुझे एक बेकार चीज क्या लगती है पता है, कि बहुत सारे लेवल में ना सिर्फ एक ही ले सकते हैं, दोनों नहीं ले सकते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है, दोनों लेने का ऑप्शन देना चाहिए था, पर मैं समझ सकता हूँ ये लोग भी चाहते होंगे कि ज्यादा मैं ओवर पावर्ड नहीं हो जाऊं, फिर गेम बहुत इजी लगने लगेगा। हाँ ठीक ही है, चलो सबके एक एक स्किल ले लेता हूँ जो भी है, फिर आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों को पता है कि रॉक स्टडी जिन्होंने ये गेम बनाया उनको बहुत ज्यादा हेट मिल रही है, और अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि जिस तरह से वो डीसी के सुपर हीरोज को मरवा रहे हैं ना, मतलब मरवाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फ्लैश के ऊपर मारने के बाद सुसु कर दिया, ग्रीन लैंटर्न अपनी चड्डी में मरे हुए थे। तो नहीं, गेम का नाम ही है किल द जस्टिस लीग, लेकिन भाई ऐसे भी मत मरवाओ अपने सुपर हीरोज को, वो तो अच्छा हुआ कि एवेंजर्स नहीं है, वरना देखा नहीं जाता। इसके बाद मैं बूमर ही बनने वाला हूं, तो देखो भाई क्या क्या स्किल काम के हैं। 10x एक्सपी लेके क्या ही करना है, हाँ ठीक है लेवल जल्दी जल्दी बढ़ जाएगा। मैं जान रहा हूं कि आप में से ज्यादातर लोगों ने बोला है कि शार्क बन के मैं हमेशा खेलूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि सबसे थोड़ा बहुत खेलते ही रहूं। ठीक है, शार्क से ज्यादा खेल रहा हूं मैं, लेकिन थोड़ा बहुत सबसे। मुझे लग रहा है कि 70-80% गेम खत्म कर लिए, एक भी नया टायर अनलॉक नहीं हुआ। आई थिंक साइड मिशन करना पड़ेगा। भाई साइड मिशन कौन झेलेगा, एक तो सारे मिशन 99% सेम टू सेम ही है। मैं इस गेम को बस कंटिन्यू कर रहा हूं कहानी की वजह से, क्योंकि मुझे मेन कहानी देखनी है। तो मेरी टीम आ जाओ, चलो देखते हैं बैटमैन को जिंदा कैसे पकड़ना है। I'm not against the squad. I just think we need to keep an eye on them. अच्छा, ये आईवी के प्लांट्स को बचाने का पहले मिशन है, उसके बाद जाएंगे बैटमैन को ढूंढने, ठीक है। I'm taking off. आसपास देखने तो बैटमैन है क्या कहीं? Target Wonder Woman has been dealt with. She would have been an exemplary follower Brainiac. Continuing deployment of heavy units to bring the resistance to heal. तो बैटमैन ब्रेनियाक को बता रही है कि वंडर वुमन मर गई है, लेकिन अगर वो जिंदा रहती तो बहुत अच्छी फॉलोअर बनती। Amanda Waller will send you four to confront me before Superman returns. It's a tactically sound choice. For expendable assets. And make no mistake, I will expend you. Batman को पता है कि उनको ढूंढने ये चारों आ रहे हैं, और Batman ने धमकी दे दी है कि तुम आओगे मरोगे। The Brainiac has tanked Batman's stocks. This place still proves that money talks. Money talks. Batman जब विलेन बनी गए तो इस Riddler का काम तमाम कर देते ना। ये क्यों बकवास करते रहता है? फाइट करने से पहले ना बूमर की गन चेंज कर देते। बूमर तेरे पास गन कोई अच्छी हो, जो जो है वही अच्छी है, बाकी सब तो वीक ही लग रही है। काम चला लेगा बूमर, ऐसे बूमर बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है, इसका लेवल भी बहुत ज्यादा मैंने बढ़ा दिया है खेल खेल के, संभाल लेगा संभाल लेगा। चलो कंटिन्यू करते हैं। Brainiac, we've taken some serious losses. Lantern let his emotions get the best of him. And I was certain we could convince her. Integrate. Daphne can't grow while all these armored fighting things are squishing up the soil. Tanks? You're welcome.
Max guarding this place for? They're guarding bloody dirt! आईवी के प्लांट्स को बचाना है, इन एलियंस और टैंक्स को मारना है, और जैसे ही इसके प्लांट्स बड़े हो जाएंगे ये बैट केव को ढूंढ लेगी आई थिंक। बस बस एक और टैंक बच गया है। Already gone. जब अकेले मुझे फाइट करना है तो मुझे टीम क्यों दिए फिर? मेरे टीम वाले लगता नहीं है कि फाइट करते हैं। We're ready for her. Aww, thanks for turning up the ground for us and filling it with nutrients. Come to Daphne when you're ready to get started. Okay, top mission start hoga. Batao, ab iske plants ko bachana hai. The roots can go real deep, can't they? Right in the secret hideouts under the city. Same to same mission bar bar, par koi baat nahi. The child is up to something. जब बैटमैन भी समझ जाएगी छोटी आईवी कुछ तो कांड कर रही है, पर पता है मिशन सेम टू सेम है लेकिन टफ होते जा रहे हैं मिशन। तो बस इनको मारते रहना इससे पहले ये आईवी के प्लांट्स को करप्ट कर दें। All poison ivy ever was. Tear it out by the roots. They're stalking with a little sprout. Like a damn missile. One burst of infection, good to go. I'd use it. Prioritizing target. अच्छा इसकी प्लांट्स का करप्शन मीटर भी दिया हुआ है जो कि बहुत ही कम भरा है क्योंकि एनिमीज को मैं जल्दी जल्दी मार ही दे रहा हूँ। पता लगा रही कि बैट केव कहां है। However many criminals join your efforts, they won't be enough. अजय बैटमैन बोल रहे कि अपनी टीम कितनी भी बड़ी कर दी कर ले कोई फायदा नहीं है। छोटी आईवी ने ऑलमोस्ट पता लगा ही लिया है कि बैट केव कहाँ है।
बूमर को ऑलमोस्ट मारने पे लेते हैं ये लोग। तो छोटी आई भी अपने प्लांट्स की पावर दिखा रही है, वो सब को जाम कर दिया क्या? ओए फ्लावर पावर, व्हाट डिड यू डू डाउन देयर? व्हेन आई गेट माय वाइंस ऑन ब्रेनियाक, ही इज गोना पे। आई पॉइजन हिज ब्लड स्ट्रीम एंड वॉच हिम बर्न फ्रॉम द इनसाइड आउट। स्वीटी, we're gonna need you to focus on finding that bat cave for us. You help us and we'll get Brainiac to leave your roots alone, all right? Promise? I swear on all four of our lives. My plants found all kinds of man-made caverns in Metropolis, but only a few of them match what Hack told me to look for. Can I destroy all the other ones? Maybe later, kiddo. Right now, we need our way in. Gizmo, where's our freaking Batmobile? On my way. तो Gizmo भेजा Batmobile, तैयार हो जाओ, finally. Batmobile के नाम पे क्या चिपका दिया? Toot toot, scumbags. What the hell is this? Every kid's dream, right? Even a gerbil was impressed. You lied to us. I mean, sure, he's a gerbil. Who knows what he's actually thinking? You promised the Batmobile, not a crapmobile. Crapmobile? This baby's all fixed with Wayne Tech spoofers and multi-scan masking. Far as any of Mr. Bruce Wayne's inventions are concerned, this beautiful creation is the Batmobile. Still no way I'm getting in one of those. It's off limits to the likes of you four anyways. I meet you at the spots that Chlorophyllis here found. You hold off the slavering hordes, I'll do some digital spelunking to see what's what. Bob's your uncle. I do not have an Uncle Bob. Will we each be assigned an uncle? Gizmo out. तो छोटी आईवी के प्लांट्स ने ढूंढ लिया है बैट केव कहाँ है, और इस गिज़्मो ने ये सड़ी हुई बैट मोबाइल में ब्रूस वेन की टेक्नोलॉजी लगा दी है, इसलिए बैट केव को ऐसा लगे कि ये असली बैट मोबाइल है, और उसके बाद ये चारों अंदर जा पाएंगे बैटमैन को ढूंढने के लिए, और ये गिज़्मो ही चलाएगा ये बैट मोबाइल, बोल के भाई बेइज्जती कर रहा हूँ ये सड़ी हुई कार को। तो फेल आर्मी बैटमैन को ढूंढने के लिए बैट केव में नेक्स्ट एपिसोड में जाएंगे, और बहुत मार पड़ने वाली है इतना मुझे लग रहा है। तो जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करना, 7K लाइक जल्दी से कंप्लीट करो, फिर इसके जल्दी जल्दी एपिसोड्स आएंगे और 2-3 दिन में ये गेम खत्म ही है। तो चलिए मैं मिलता हूँ कल, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।